पात्र लोगों को भले ही सरकार की योजनाओं का लाभ न मिले और उन्हें दर दर योजनाओं के लाभ के लिए भटकना पड़े, लेकिन अपात्र लोग नियमों को दरकिनार करने के साथ योजनाओं का लाभ फर्जी तरीके से लेने में माहिर हैं। जी हाँ, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिले में किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मृत और अपात्र लोग भी किसान सम्मान निधि का लाभ लेकर मजे काट रहे हैं। जिले की जांच में 2255 आयकरदाता, 31 सरकारी सेवक, 56 पेंशनर और 27 भूमिहीन लोगों ने भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा लिया है। जब इसकी जांच हुई तो विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि नियमों को दरकिनार कर अपात्र लाभार्थियों ने योजनाओं का लाभ ले लिया है। योजनाओं का लाभ लेने में अपात्र लाभार्थी की जांच के बाद अब उन्हें विभाग की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना सरकार ने उन किसानों के लिए चलाई है जिन्हें अपनी फसलों को तैयार करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें योजनाओं का लाभ भले ही नहीं मिल रहा है, लेकिन अपात्र लोग योजनाओं का लाभ लेने में माहिर हैं। आपको बता दें कि किसान पात्र होने के बावजूद भी किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं पा रहे हैं, वहीं अपात्र किसानों ने किसान सम्मान निधि का लाभ ले लिया है। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना की जब जांच हुई तो पता चला कि 3486 अपात्र किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। उनमें 1067 मतलब यानी कि 1067 किसान ऐसे हैं जो मृत हो चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें लाभ मिल रहा है। फिलहाल विभागीय अधिकारियों की तरफ से सभी को नोटिस दिया गया है, वहीं जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लिए क्या किया जा रहा है? जो अपात्र किसान है उनके लिए ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, उसके मानक दिए हुए हैं, उन मानकों के अनुसार उनको जो है योजना से जो डिवाइड किया जा रहा है और जो पात्र किसान है उनको इंक्लूड करके उनको दिया जाएगा। सब कितने किसान ऐसे हैं जो अपात्र पाए गए हैं? लगभग जो है 3-4 हजार के आसपास किसान है और उनके से वापसी भी हुई है, काफी रिकवरी भी हुई है, वो एग्जैक्ट फिगर में रिकवरी भी की जा रही है।